te mata, saca, saca, sem nem te preocupação. Sem nem te mata, हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू इज़ एट 99 एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एक और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आगे भी जो है बढ़िया रहना। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्रीव्यू की तरह शॉर्ट वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। एंड गाइस, ये जो प्रीव्यू का शॉर्ट वीडियो है, ये शॉर्ट वीडियो है बार्डेच वाईटी का। एंड आप लोगों को पता है ये बार्डेच वाईटी एंड हकाई टीवी का शॉर्ट वीडियो जो होता है उसमें कितना व्यूज आता है, तो ये शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा यूनिक है। एंड भाई लोग, आप भी कुछ यूनिक कंटेंट ट्राई कर सकते हो, कुछ यूनिक सा शॉर्ट वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करके देख सकते हो, क्या पता आपका भी शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाए। सो गाइस, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक अच्छे से वॉच करना। एंड चैनल पे कोई न्यू आ रहे हो, पहली बार के लिए आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम ऐसे ही क्वालिटी वीडियो अपलोड करते रहते हैं आप सभी लोगों का हेल्प करने के लिए, तो सब्सक्राइब करके हमारा भी हेल्प कर देना। एंड गाइस, वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट में बताना कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले मैं सिखाता हूँ क्लिप को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को आपके दोस्त से मार खा के वापस आना है इस वॉल पे। एंड अभी यहाँ पे आप लोगों को कुछ मैप ओपन करके लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है। एंड अभी आप लोगों को घूम के जाना है पीछे से, ठीक है। एंड आपका जो दोस्त है उसको बोलना है कि वो भी वॉल के पीछे खड़ा रहे, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर बोला था लेकिन वो वहाँ पर खड़ा है, कोई बात नहीं। आपको जाना है, सिंपल सा हेडशॉट मारना है कुछ इस तरीके से। एंड आप लोगों को उसके बाद जंप करके इमोट मारना है, ठीक है। तो मैं खड़ा ही रह गया और फिर इमोट मार दिया। तो भाई लोग, सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर आप लोगों को 9:16 का एक प्रोजेक्ट बना लेना है। एंड आप लोगों को गेम प्ले को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी हमने रिकॉर्ड किया उस क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। एंड कुछ इस टाइप से आप लोगों को पैन एंड जूम में जाके जूम करके कुछ अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एंड अभी गाइज, यहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं एडजस्टमेंट के अंदर। एंड यहाँ पर आप लोगों को ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन को आप लोगों को अपने हिसाब से इंक्रीज कर देना है। एंड यहाँ पर गाइज देख सकते हो, क्लिप हमने इधर इंपोर्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है गाइस, हमें वो वाला पार्ट ढूंढना है जहां पर हमने मैप ओपन किया था, ठीक है, उससे पहले वाला पार्ट। तो उधर आके आप लोगों को स्प्लिट पे चले जाना है, ठीक है। तो मैं यहां पर अच्छे से कर रहा हूं। एंड इसके बाद स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जहां पर हमने मैप क्लोज किया उधर भी आप लोगों को जाके स्प्लिट कर देना है, ठीक है। तो भाई लोग, इतना काम करने के बाद आप लोगों को यहां पर अभी क्या करना है देख लो। अभी यहां पर मैप को आपको मिडिल पे लेकर आना है, ठीक है। एंड अच्छे से एडजस्ट करके बैक आ जाना है। एंड जो भी पार्ट, ठीक है, आप लोगों को अननेसेसरी लग रहा है उसको थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ट्रिम कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद आप लोग देख सकते हो अच्छे से हो चुका है हमारा। अभी यहाँ से जो मतलब वो जो पीछे से घूम के जाने वाला क्लिप था ना, वो वाला क्लिप हमें डिलीट करना है। तो हम लोग एकदम चले जाएंगे जहाँ पर हमने हमारे फ्रेंड को हेडशॉट मारा था, तो वहाँ पर जाके कुछ इस वाले पोजिशन पर आप लोगों को हेडशॉट मारने का पहला पोजिशन एकदम वहाँ पर जाके स्प्लिट करके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है। एंड अभी गाइस देख सकते हो, हमने सिर्फ ये हेडशॉट वाले से पहले वाले तक कर रखा है। एंड गाइस, अभी हमें चले आना है जहां पर हमने हेडशॉट मारने के बाद इमोट वगैरह मारा था, उधर हमें चले आना है, ठीक है। सिंपल सा वहां पे क्या करना है आप लोगों को, यहां पर स्प्लिट लगा देना है जहां से हमने इमोट मारना स्टार्ट किया था, उधर आप लोगों को स्प्लिट कर देना है। एंड ये जो आप लोगों को एंडिंग वाला पार्ट है ना, उस पार्ट को आप लोगों को जस्ट डिलीट कर लेना है, ठीक है, मतलब कि ट्रिम कर लेना है जहां पर हमारा एंड हो रहा है एकदम क्लिप का। एंड यहां पर आपको पैनल जूम में आके ये जो इमोट वाला क्लिप होगा इसको मिडिल पे कर देना है। एंड लास्ट पार्ट जो कि वीडियो का जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उस पार्ट को अभी हम लोग डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये वाला पार्ट में मतलब एंड हो रहा है क्लिप, ये नहीं चाहिए हमको, तो ये हमको सिंपली ट्रिम कर लेना है, ट्रिम राइट करके। तो भाई लोग, इतना काम करने के बाद कुछ इस वाले पोजीशन पर चले आना है। एंड आप लोगों को क्या करना है, इधर आप लोगों को कैप्चर एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जहाँ पर हमने हेडशॉट मारने वाले थे उधर जाके कैप्चर एंड सेव कर देना है। एंड अभी आप लोगों को रीटच एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है भाई लोग। एंड ये जो दोनों स्क्रीनशॉट हमने लिया है
यहाँ से हम लोगों को कैरेक्टर को गायब करने वाले हैं हम लोग, तो कैरेक्टर को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड जैसे ही आप लोग गो वाले बटन के ऊपर टच करोगे तो कैरेक्टर अपने आप गायब हो जाएगा एंड इसको अभी हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। एंड सेव करने के बाद गाइज हम लोग वो जो सेकेंड वाला स्क्रीनशॉट हमने लिया है काइन मास्टर पे, वो वाले स्क्रीनशॉट को हम लोग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं एंड सिंपल सा इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको भी गो वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही टच करेंगे ना गाइज, देख सकते हो हमारा बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर दिया है एंड अभी हम लोग इसको सेव कर लेंगे। सो भाई लोग इतना काम करने के बाद पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड वो जो पहला वाला स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके कुछ क्रॉप कर देना है एंड रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके कैरेक्टर का एक पीएनजी निकाल लेना है एंड इसको सेव कर देना है। एंड बिल्कुल सेम तरीके से आप लोगों को वो जो सेकेंड वाला स्क्रीनशॉट है उसका भी यहाँ पर अपलोड करके यहाँ पर क्रॉप कर देना है आपको पिक्सआर्ट पे एंड रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके इसका भी बैकग्राउंड आपको रिमूव करके एक अच्छा वाला पीएनजी बना लेना है अपने कैरेक्टर का। एंड अभी आप लोगों को काइन मास्टर में उसी पार्ट में वापस जाना है दोबारा एंड यहाँ पे गाइज आप लोगों को रिटच एप्लीकेशन के अंदर ये जो हमने दोनों इरेज किया था ना कैरेक्टर वाला स्क्रीनशॉट, अभी वो दोनों स्क्रीनशॉट को इधर हमें इंपोर्ट कर लेना है। एंड अभी गाइज यहाँ पर हमें थोड़ा सा पहले से, ठीक है, स्क्रीनशॉट के थोड़ा सा पहले से जहाँ पर हमारा कैरेक्टर खड़ा है उधर ये कैरेक्टर का जो पीएनजी हमने निकाला था उस पीएनजी को अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एंड अभी गाइज इतना काम करने के बाद आप लोगों को पैक के अंदर ये टॉर्नेडो का जो ग्रीन स्क्रीन है वो मिल जाएगा, आप लोगों को सिंपल सा ऐड कर लेना है एंड क्रोमा की को इनेबल कर देना है। एंड क्रोमा की में आप लोगों को पहले वाले को 31 एंड नीचे वाले को 66 रख देना है, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद आप लोगों को बैक आ जाना है एंड बैक आके आप लोगों को चले जाना है क्रॉपिंग में, उसके अंदर आप लोगों को फीडर मिल जाएगा, ठीक है। एंड फीडर को आप लोगों को 40 कर देना है, ठीक है, 45 आप लोग 40 करना, 40 रख देना है। एंड अभी बैक आना है, कैरेक्टर के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर देना है टॉर्नेडो को, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसका इन एनिमेशन को फेड दे देना है, ठीक है। एंड उससे पहले मैं इसका जो म्यूजिक है इसको बंद कर दूंगा, ठीक है, आप लोग भी म्यूट कर लेना टॉर्नेडो का जो साउंड है उसको म्यूट कर लेना, इन एनिमेशन फेड दे देना है। एंड यहाँ पर ना गाइस हम लोग टॉर्नेडो को जहाँ तक ट्रिम करेंगे हमें उससे पहले कैरेक्टर को ट्रिम कर लेना है, ठीक है। पहले कैरेक्टर ट्रिम होगा उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका आप लोगों को टॉर्नेडो को ट्रिम करना है एंड दोनों को ही आउट एनिमेशन में फेड दे देना है, ठीक है। कैरेक्टर सबसे पहले फेड होगा एंड उसके बाद टॉर्नेडो फेड होगा, ठीक है। सो इतना काम करने के बाद गाइस आप लोगों को ये जो रिटच वाला स्क्रीनशॉट है इसको भी अभी ट्रिम कर लेना है। एंड अभी गाइस हम लोग सेकंड स्क्रीनशॉट की ओर जाते हैं जहाँ पर हमने हमारे दोस्त को बोला था कि खड़ा रहना चुपचाप हम लोग आके मारेंगे, तो उधर हमें चले जाना है। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो कैरेक्टर का स्क्रीनशॉट है उसको हमें कुछ इस टाइप से इंपोर्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है नेक्स्ट क्लिप तक, ताकि हम लोग अच्छे से एडजस्ट करके ऐड कर पाए अपने कैरेक्टर को, ठीक है। तो मेन क्लिप के साथ हमें असल में एडजस्ट करना है ताकि कोई भी थोड़ा सा भी ऐसा ना लगे कि हमारा कैरेक्टर टेलीपोर्ट होके नहीं आया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, एकदम प्रॉपर करना चाहिए, ठीक है। तो हमने कर दिया है वो चीज़ एडजस्ट करके अच्छे से, देख सकते हो। एंड इतना काम करने के बाद इसका जो इन एनिमेशन है वो फेड रखना है इधर एंड यहाँ पर टॉर्नेडो को हम लोग डुप्लीकेट मारेंगे फिर से एंड इसको गाइस होल्ड करके आप लोग जैसे ही यहाँ पे खींचोगे तो ये आ जाएगा आपके सेकंड वाले कैरेक्टर के पीएनजी के ऊपर। एंड गाइस यहाँ पर कुछ इस वाले पोजीशन पे आके आप लोगों को आपका जो कैरेक्टर का क्लिप है आप लोग मतलब कि सॉरी पीएनजी है वहाँ पर आप लोगों को ट्रिम कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस जो टॉर्नेडो का आउट एनिमेशन है ना यहाँ पर आप लोगों को सॉरी इन एनिमेशन है ना वहाँ पर आप लोगों को जाके 0.5 को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। सॉरी आप लोगों को इन एनिमेशन में जाना है टॉर्नेडो का एंड 0.5 सिलेक्ट करके क्लिप को एक्सपोर्ट कर देना है। सो गाइस इतना काम करने के बाद आप लोगों को क्लिप को कैपकट एप्लीकेशन पे लेके आना है फिनिशिंग के लिए, ठीक है गाइस। पूरा कंप्लीट हो ही चुका है लगभग, बस फिनिशिंग करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, तो थोड़ा एडजस्टमेंट में जाके एडजस्टमेंट वगैरह करना है। आप लोग रोज़ मेरा वीडियो में देखते हो कैसे करना है, मतलब कैसे क्या होता है आप लोगों को पता है, एडजस्टमेंट कर लेना। एंड गाइस मैं अच्छे से वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था एंड मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पर गाइस आप लोगों को इतना काम करने के बाद जहाँ पर आपने इमोट मारा था ना उस पार्ट को आप लोगों को स्लो कर देना है एंड स्लो करके थोड़ा सा जूम कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस आप लोगों को चले जाना है इफेक्ट के अंदर
एंड सॉरी गाइज, आप लोगों को इफेक्ट के अंदर जाना है एंड यहाँ पर इफेक्ट में आप लोगों को मिल जाएगा ब्लैक फ्लैश करके, तो आप लोगों को ये वाला ऐड कर लेना है एंड आप लोगों को कुछ थोड़ा सा ही रखना, ज़्यादा नहीं रखना ब्लैक फ्लैश को, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को शेक वाला इफेक्ट मिल जाएगा, इसको सिंपल सा ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इसका स्पीड एंड इंटेंसिटी को आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मैंने मेरे क्लिप के हिसाब से एडजस्ट करके रख दिया है, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद गाइज यहाँ पर थोड़ा मैं एक और शेक ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले वाले का इंटेंसिटी कम किया था एंड लास्ट वाले का सबसे ज़्यादा है, तो मैंने दो दो शेक लिया है। अभी गाइज आप लोगों को ये वाला ओवरले भी मिल जाएगा, सिंपल सा ऐड करके क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेना है। First blood.